एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है डिजिटल स्कूल में। आज हम देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 29 स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। क्वेश्चन इस तरह से है, पेज नंबर 60 पे देखिए। इफ 20 मीटर्स ऑफ क्लॉथ कॉस्ट 3600, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 मीटर ऑफ क्लॉथ। अगर 20 मीटर कपड़े की कीमत 3600 रुपए है तो यहाँ पर 16 मीटर कपड़े की कीमत मालूम करनी है। The cost of 20 meters of cloth is कितना है? 3600 rupees। उसी तरह से, therefore the cost of 1 meter of cloth, 1 meter of cloth मालूम करने का है, 3600 divided by 20। यहाँ पर 20 से डिवाइड पे लिखा है, जरूर कट यहाँ पर 2 के बाद लिखिए यहाँ पर 3 में से 2 माइनस होते हैं तो 8 यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर 16 हो जाएंगे, तो 8 जन 60, यहाँ पर 8 मैं लिखता हूँ, 2 जीरो जन 0, 180 रुपीज 1 मीटर की प्राइस रहेगी। उसके बाद देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 16 मीटर ऑफ क्लॉथ, तो 16 मीटर कपड़े की कीमत आपको मालूम करनी है, तो 180 मल्टीप्लाई बाय 60। तो चलिए 16 जीरो जा 0, उसके बाद 16 8 जा होते हैं कि 128। यहाँ पर 8 में यहाँ पर लिखता हूँ और 12 यहाँ पर 10 में आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 16 1 जा 16 इसमें प्लस करेंगे, 16 प्लस करेंगे 2 8 2 और 6 8 1 1 2, देखिए यहाँ पर 28। यहाँ पर जो प्राइस रहेगी, the cost of 16 meter of cloth is 2880 रुपए ये कीमत रहेगी यहाँ पर 16 मीटर कपड़े की। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 केजी ऑफ राइस इफ द कॉस्ट ऑफ 10 केजी इज 325। 8 kg की यहाँ पर हमको प्राइस मालूम करनी है, तो 10 kg की कीमत यहाँ पर बताया है हमको क्वेश्चन में है 325। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 325। अब पता करने का है, therefore the cost of 1 kg of rice, यहाँ पर देखिए 8 kg of rice यहाँ पर हमको पूछा है, तो सबसे पहले 1 kg की यहाँ पर हमको प्राइस मालूम करनी है, तो 325 डिवाइडेड बाय 10, तो देखिए 10 बच्चों यहाँ पर 10 है, इसलिए यहाँ पर 1 पॉइंट यानी 1 डिजिट के बाद यहाँ पर क्या रहेगा, पॉइंट रहेगा। तो इस तरह से 32.5 यानी 32.50 रुपए 1 kg यहाँ पर राइस की कीमत रहेगी, प्राइस रहेगी, ठीक है। अभी उसके बाद क्या करने का हमको, 1 kg प्राइस यहाँ पूछा है, तो 32.5 मल्टीप्लाई बाय 8, तो इसको 8 से क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 2 जा 16 4 20, 0 2 कैरी, 8 3 जा 20 4 24 26, 1 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट है, यानी 260 रुपीज रहेगी प्राइस यहाँ पर 8 kg ऑफ राइस। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। Dear students, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ 14 चेयर्स कॉस्ट 5992 रुपीज, हाउ मच विल हैव टू बी पेड फॉर 12 चेयर्स। तो देखिए यहाँ पर 14 चेयर्स की कीमत बता रहे हैं कि 5992 रुपए है, तो 12 चेयर की कीमत कितनी होगी, कितना पेड करना पड़ेगा।
तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द कॉस्ट ऑफ 14 चेयर्स यहां पर देखिए टेक्सटबुक में दिया हुआ 5,992। द कॉस्ट ऑफ वन चेयर हमको ये मालूम कर चुकी यहां पर, तो 5,992 डिवाइडेड बाय कितनी चेयर है 14 पर 14 से इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो चलिए मैं यहां पर डिवाइड करता हूं 14 5,992। तो चलिए सबसे पहले 14 2 28, 14 3 42, और 14 4 56 माइनस यहाँ पर देखिए 9 से 6 माइनस होते हैं तो 3, और ये 5 से 5 है तो 0, ऊपर से 9 यहाँ पर हमें देखते हैं तो 14 2 28 वापस माइनस 9 में से 8 1, 3 में से 2 गए तो 1 11 रहेंगे वहां पर 2। अब देखिए 14 का टेबल 112 तक करना है हमको, तो 14 में मतलब 14 14 2 28, 14 3 42, 14 4 56, 14 5 70, और 14 6 80, 14 7 98, और 14 8 112, 14 8 112, इस सब माइनस माइनस जीरो हो जाएगा। अब देखिए 428 रुपीस यहाँ पर हमको आंसर मिलता है 428। तो 428 पहले बच्चों ये आंसर है वन चेयर का, कितना वन चेयर का, तो यहाँ पर हमसे पूछा है 12 चेयर की प्राइस, तो चलिए 428 मल्टीप्लाई बाय 12, इसको 12 से अभी मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 12, अभी हमको मल्टीप्लाई करने का 12 से 12 8 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 8 12 7 84, और 12 8 96, तो यहाँ पर 96 का 6 लिखता हूँ कैरी 9, फिर 12 24 में यहाँ पर 3, ये 93 क्या करने का आपको प्लस करने का है 33, फिर 3 कैरी हो जाएंगे, और फिर यहाँ पर देखिए 12 4 48, और ये 5,136 रुपीस, इस तरह से इसको 12 चेयर की कीमत यहाँ पर पेंट करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसके आगे के सवाल आप हल कीजिए, और अगर कुछ परेशानी होती है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए।